नमस्कार। ये जो इलेक्ट्रिकल पूरा इलेक्ट्रिकल आईटीआई और डिप्लोमा जो बीटेक किया है उनके लिए एक पूरा ट्यूटोरियल है जो आपको समझ में नहीं आता इलेक्ट्रिकल चीज के बारे में, कैसे कैसे काम करते हैं इलेक्ट्रिकल साइट में, कैसे डिब्बी को बिठाते हैं, ये पूरा हमने देखिए ये डाल दिया है, मार्किंग कर दिया है पूरा। यहाँ से कितने आपका देखिए, ये जो इसको प्लाई, ये जो प्लाई है ये प्लाई से हमने पूरा मार्किंग किया, उसके बाद ही डिबी बिठाया, क्योंकि नहीं तो हमारा डिबी का साइज जो है ओपन नीचे हो जाता है। इसलिए देखिए पूरा सेम साइज में बिठाया है डिबी को, देख लीजिए। और NP1, NP2, NP3, पिक, नॉन पिक, रॉ पावर, UPS, हमारा LCD, पूरा डिबी है। और ये इन्वर्टर, छोटा वाला जो डिबी है इन्वर्टर का डिबी है, ठीक है। और इसको बोलते हैं PVC ट्रंकिंग, ट्रंकिंग से होके वायर आया है, ये इसको बोलते हैं PVC ट्रंकिंग। और ट्रेस से पूरा लगा है, PVC ट्रंकिंग ट्रेस से लग के आया है, ठीक है। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल डीबी कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसमें वर्क करता है, और उसका फुल प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये जो डीबी है ये हमारा इलेक्ट्रिकल का एक डीबी है, इसको NP1 DB नाम दिया है हमने। ये जो सर्किट लगा है देखिए, ये जो स्ट्रिप लगा है ये RCCB का एक है, और ये पूरा MCB है, सिंगल पोल MCB है, और ये सिंगल पोल RCCB है। 30 mA का RCCB है, और ये सब है, ये सब C10 लिखा है, DX3 का MCB है ये सब, ठीक है। ये सब ये ऑफ है अभी, ये मेन MCB है, और ये तीन रेड येलो एंड ब्लू का MCB है, ठीक है, RCCB के साथ कनेक्ट हुआ है। देखिए और भी डीबी है, ये पूरा डीबी का काम ऐसे ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने वायर डाल के रखा है अभी। देखिए पूरा वायर ऐसे ट्रे से आया है, ट्रे से आके ऐसे घुसा है, ये कैसे वर्क करता है देखिए। ये यहाँ पे आके जो केबल का वायर है और फोर 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 कोर का केबल आएगा, ठीक है, जितना आपका रिक्वायरमेंट होगा उसी के हिसाब से आएगा, कितना एम्पियर का, कितना उसका लोड कैपेसिटी है उसके हिसाब से आएगा। और यहाँ से तीन तीन जो है रेड येलो ब्लू, जो तीन सर्किट जाएगा, रेड यहाँ पे जाएगा, ब्लू येलो तीन यहाँ पे जाएगा, और न्यूट्रल यहाँ से स्ट्रिप, यहाँ पे स्ट्रिप दिया है, न्यूट्रल यहाँ से पूरा कनेक्ट हुआ है, ठीक है, देख लीजिए पूरा न्यूट्रल कनेक्ट हुआ है। और ये अर्थिंग का स्ट्रिप है, पूरा अर्थिंग वायर आके, अर्थिंग वायर ग्रीन कलर का जो अर्थिंग वायर है वो आके घुसेगा। ये पूरा है रेड येलो और ब्लू, देख लीजिए RYB तीन तीन सर्किट है, ये आके घुसेगा, ये पूरा आके ऐसे। ये NP1 DB है और NP2 DB है, और ये जो है पीक डीबी है, और ये रॉ पावर का, और इन्वर्टर का, और ये UPS का डिबी है। इतना डिबी हमने अभी तक डाला है, जैसे इसको बोलते हैं ट्रंकिंग, ट्रंकिंग से ये PVC का ट्रंकिंग है, ट्रंकिंग से आके डिबी के अंदर घुसेगा। पूरा ट्रे से ट्रंकिंग लगाया, देखिए ट्रे से पूरा ट्रंकिंग लगाया, पूरा अच्छी तरीके से किया है। मैं आपको फुल दिखा देता हूँ, देख लीजिए फुल पूरा देख रहे हैं कैसे हुआ है, पूरा फाइनली पूरा क्लियरली वर्क हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखिए। और मैं आपको एक, आपको नहीं पता होगा, मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, इसको बोलते हैं फेयरवेल, जो आपका सर्किट नाम है ये देखिए NP1Y3, जो सर्किट नाम है वो उसके नाम से ही फेयरवेल हम डालते हैं। और ये अर्थिंग का, ये ब्लू का, ये रेड का, पूरा वैसे ही डालते हैं, देखिए इसमें पूरा फेयरवेल डाला हुआ है, नाम लिखा हुआ कौन सा सर्किट कहाँ से आया है, जैसे आपको पता चल जाएगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो फ्यूचर में तो आप चेक कर सकते हैं वो वाला, ठीक है। आप अभी देखिए मैं आपको और एक चीज बताने जा रहा हूँ, ये जो दिया है ये सिंगल पोल का MCB है, इसका लोड कितना है, ये कहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे तो नहीं लिखा है शायद, 10, हाँ यहाँ पे 16 A का लिखा है, देख लीजिए C16 16 A का MCB है पूरा। और ये जो RCCB है ये 63 A का है, देख लीजिए 63 A का RCCB है, और ये पूरा 16 A का MCB है, ये पूरा ही ऐसे दिया है, 16 A का पूरा दिया है।
और जो है ये जो मेन एमसीयू है वो 63 एम्पीयर का है, वो लोड के हिसाब से डाला है। ठीक है, पूरा मैं आपको समझा दिया हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट है और कोई जानना चाहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और देखिए साइड में कैसे काम किया गया है, ये पूरा वायर सीलिंग के नीचे पूरा वायर है, इसको बोलते हैं सीलिंग। सीलिंग के नीचे पूरा वायर है और उसके नीचे जो ये वाला काला वाला लगा है इसको कनेक्टर बोलते हैं। देख लीजिए पूरा कनेक्टर का स्ट्रिप है, 3 स्ट्रिप कनेक्टर है। कनेक्टर से ये कनेक्ट करता है आपका जो मेन वायर है और लाइट के साथ कनेक्ट करता है। देख लीजिए पूरा कैसे काम हुआ है, ऐसे ही पूरा काम हुआ है। और इसको ये सीसीटीवी का वायर है, कैट सिक्स केबल का ये वायर है। और ये जो है ये देखिए कैट 5 का केबल वायर डाला है, ये एलसीडी के लिए डाला जाता है, सीसीटीवी के लिए। और ये वाला जो वायर है ये स्पीकर का वायर है, देख लीजिए ध्यान से, ये 1 कोर का है जो हम लूपिंग के लिए डालते हैं। और ये वाला लाइट का जो लूपिंग है 1.5 स्क्वायर mm का डालते हैं, और जहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट है, और 2.5 का रिक्वायरमेंट होगा, अगर 4 स्क्वायर का रिक्वायरमेंट होगा तो 4 स्क्वायर का हम डालते हैं। ठीक है।